एक ही रास्ता है फिर जमीन बेचना, कितना जमीन बेचूं, बहुत सारा जमीन बिक के लग गया। वो तो बाप दादाओं की कुछ संपत्ति थी जो बेच बाच के इसको यहाँ तक लाए। अमिताभ बाबू से जब बातचीत हुई तो उनका भी आँख नम हो गया, रोने लगे, बाप रे बाप इतना कठिन तपस्या आपने किया है। उन्होंने जो है सो अपने तरफ से 21 लाख रुपया हमारे बेटियों को एजुकेशन के लिए मदद की है। किसी ने ठीक ही कहा है, बेबस लाचार अनाथों का सहारा बनिए, भगवान आपका सहारा बनिए। देव की नगरी बाबा धाम देवघर के हरिराम पांडे एक नाम जो आजकल सुर्खियों में, वजह है केबीसी की यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर वो जाकर बैठे। अगर हरिराम पांडे आम होते तो उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन का बुलावा नहीं आता। हरिराम जी को खास उनकी सोच, उनकी इंसानियत, उनकी दया और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ आचरण ने बनाया है। हरिराम जी का देवघर में एक आश्रम है और उस आश्रम में अनाथ बच्चों को वो आश्रय देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। वो बच्चे जिन्हें झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, वो बच्चे जिन्हें मंदिरों की सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाता है, वो उनको सहारा देते हैं। हरिराम जी के आश्रम में अभी कुल 35 बच्चे हैं जिन्हें वो बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। इनकी यही करुणामयी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई और अमिताभ बच्चन की नजर उन पर पड़ी। सीधे हॉट सीट पर उन्हें बुलाया, उन्होंने वहां जाकर 25 लाख जीते और साथ ही अमिताभ बच्चन ने 20 लाख की मदद की ताकि उनकी अनाथों की सेवा में कोई कमी ना रहे। कौन कहता है कर्मों का फल नहीं मिलता, हरिराम जी के अच्छे कर्मों ने आज उन्हें समाज में भगवान का दर्जा दिलवाया है। कृपा से ये मेरे माता पिता का कृपा कहिए, आशीर्वाद कहिए, जिन्होंने हमको इस तरह के सेवा का जो है सो प्रेरणा दिया था। बाबा बैद्यनाथ के पावन भूमि में हम 1998 में आए। 2004 की वो घटना है, सुबह सुबह भोर बेला में चहलकदमी हो रही थी, पूछा भाई क्या है, तो एक बच्चा आदमी का झाड़ी में छोड़ के चला गया। दौड़ के झाड़ी के पास गए, बेटी थी, बड़ी सुंदर सी बिटिया, नाभि में चीटी लगी हुई थी। अब हम तो तड़फड़ा गए इस तरह का स्थिति देख के, और बेटी का नाभि का चीटी झाड़े और उठाया और सीधे चले गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर के चौरसिया जी के पास, और इलाज चलने लगा और वो बेटी बच गई। वो बेटी के बचने से हम पति पत्नी बहुत खुश हुए कि चलो परमात्मा एक बेटी दे दिया। समय बीतता गया, कुछ दिन बाद फिर एक बेटी हमको मिल जाती। अब दो बेटी, दोनों बेटी पाल लिए। अब अंतर आत्मा से, अंतर मन से ऐसा बराबर आवाज़ उठता था कि एक दो का जान तो हमने बचाया। लेकिन आए दिन मीडिया से, पेपर प्रिंट मीडिया से पता लगता है कि जो है सो बहुत जगह पर इस तरह से बच्चे फेंक दिए जाते हैं, जिसको कुत्ता खा जाता है या इन्फेक्शन होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं क्यों न एक संस्था, एक आश्रम बनाऊं जो हमारे इन बेटियों के लिए काम करे। तो हमारे यहाँ डीसी मसरम मीना साहब थे, अभी जाके हम मिले, बोले बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, नारायण सेवा आश्रम का स्थापना हुआ, एक ट्रस्ट बनाया गया, इसका नाम नारायण सेवा आश्रम रखा। इसके बाद फिर ट्रेन के बाथरूम में हमारी रागिनी बेटी को छोड़ के भाग गया था। छोड़ने का कारण था कि उसको आँख नहीं थी, आँख नहीं होने के कारण उसके पैदाकर्ता छोड़ के भाग गए ट्रेन के बाथरूम में। जीआरपी जस्सी डी जीआरपी को जो है सो पब्लिक हल्ला किया कि बाथरूम में नवजात बच्चा बिगड़ हुआ, वो उठा के लाए। अब आँख नहीं है तो बहुत लोग आए लेने, निसंतान लोग, लेकिन आँख नहीं होने के कारण सब भाग गए। तब तक मैं पहुँचा और हम बोले भाई परमात्मा इस बच्ची को इस धरातल पर भेजा है, ज़रूर कोई कारण है भेजने की। तो ये
हमको दे दीजिए, परमात्मा मेरे लिए भेजा है। रागिनी बिटिया आज 10 साल की हो गई, बड़ी सुंदर सब गीत गाती है और क्लास 2 में पढ़ रही है। एवं प्रकार से बहुत सारी बेटियां हो गई, अब सारे बेटियों को डीए भी स्कूल में पढ़ाता हूँ। स्कूल में दाखिला के समय भी प्रॉब्लम आया कि माता पिता का नाम नहीं होने के कारण दाखिला नहीं होगा, तो सारे बेटियों को जो है सो हरे राम पांडे भवानी देवी हम पति पत्नी अपना नाम दे दिए। आधार कार्ड भी उसी तरह से बेटियों का बना है, कुछ बेटियों का तो आधार कार्ड अभी नहीं बन पाया है, और जो आधार कार्ड जितना बना है जो बेटी पढ़ रही है मेरी, सबों में हरे राम पांडे भवानी देवी लिखा हुआ है। और दुख तो अपार हुआ वह रात, मैं क्या कहूँ आपको, 8-8 बेटी नवजात, पति पत्नी दोनों साइड सो करके और रात भर जग के बच्चियों का सेवा कर रहा हूँ। ऐसा समय आया कि किरासन तेल नहीं होने के कारण दूध गर्म नहीं होगा और बच्चा लोग दूध पिएगा नहीं, सब बच्चा चिल्लाने लगा रोने लगा, हे परमात्मा अब क्या करूं। उस दिन 1 रुपया भी नहीं था किरासन तेल खरीदने की, मैं किसी दुकान में जाके 12 बजे रात को भी लाऊं। लास्ट में अब मैं करूं क्या परमात्मा, अब तो बड़ा संकट खड़ा हो गया। अचानक दिमाग में आया, दौड़ के घर से बाहर गए, वो कड़ाके की ठंड की रात, और कागज़ का टुकड़ा, कूट का टुकड़ा रोड साइड में जो फेंका हुआ था, एक बोरा में चुन चुन के लाए, पत्नी को बोला कि सलाई लाओ, सलाई से जला के उस कागज़ कूट को और दूध गर्म कर करके रात काटा हम। वो सब बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि चूँकि चूँकि ज़्यादा बच्चियां जब होने लगी तो बहुत प्रॉब्लम ना, एक बेटी को कम से कम बिना माँ का बच्चा 2 kg 2.5 kg दूध पिलाना है, तो मान लीजिए 8 बेटियाँ तो 20 kg दूध हमको चाहिए प्रतिदिन के लिए, तो उतना अर्थ का भी प्रॉब्लम, मैंने अपार संकट से जूझे। वो तो परमात्मा शक्ति देता रहा हमको और हम किसी तरह से इसको कुछ ज़मीन बेच के भी बच्चों का जो है सो उधार ऋण चुकाया, कुछ पैसा लाए थे ज़मीन बेच के वो भी सब दूध में खर्च हो गई। कभी कभी ऐसा हुआ है कि अपना घर का चौकी बेच के, तो मिक्सी मशीन बेच के मसाला पीसने वाला, और बच्चों का जो है सब काम आया है वो पैसा। लास्ट में आपका जो है सब मीडिया तक आवाज़ पहुंचा और वो लोग देखे आकर के हमारे सेवा को, तब हमारे न्यूज को जो है सो समाज तक ले गए, तो समाज से भी कुछ लोग जुड़े, वो लोग भी कुछ न कुछ सहयोग दे के हमको आगे बढ़ाए, भी करके यहाँ से विदाई किए। चारों बेटी मेरी खुश है, बढ़िया है। इसके अलावे अब हायर एजुकेशन में हमारी बेटियाँ जा रही है, अब खर्चा बढ़ गया ज़्यादा, तो परमात्मा का अचानक कृपा हुआ और ये KBC हमारे न्यूज को अमिताभ बाबू देखे और उनका दिल छू गया, वो बोले कि जब हमको पांडे जी से मिलवाओ, तो KBC टीम यहाँ आया और आके पूरा आश्रम का शूटिंग किया। आपका जो है सो सारी बेटियाँ DAV में पढ़ती है, कुछ बेटियाँ जो है सो इंटर में भी गई, सारे बेटियों का न्यूज बना के भेजा, फिर वो लोग हमको आदरपूर्वक यहाँ से टिकट कटवा के बम्बई ले गए और बम्बई में ये प्रोग्राम हुआ, तो हमारी बेटियों से मिल के 9 बेटी जो है तेज तरार, वो 9 बेटी गई थी बम्बई मेरे साथ, और मेरी बहू बेटा भी मेरे साथ, हम 12 आदमी वहाँ गए। अभी अमिताभ बाबू से जब बातचीत हुई तो उनका भी आँख नम हो गया, रोने लगे, बाप रे बाप इतना कठिन तपस्या आपने किया है, और बच्चों का से बात किया उन्होंने, बेटियां बोली का भाई हायर एजुकेशन में अब बहुत खर्च आता है अंकल और मेरे पापा, और उनको एक ही रास्ता है फिर ज़मीन बेचना, कितना ज़मीन बेचूं, बहुत सारा ज़मीन बिक के लग गया, वो तो बाप दादाओं की कुछ संपत्ति थी जो बेच बाच के इसको यहाँ तक लाए, कुछ भाइयों का सहयोग भी यहाँ तक लाया, तो उन्होंने जो है हायर एजुकेशन के लिए हमारे बेटियों को, चूँकि नीट वगैरह जो है सब कंप्लीट करना होगा और उसका तैयारी करने के लिए
कोचिंग वगैरह का जो है सब पढ़ाई होगा, तो उन्होंने जो है सो अपने तरफ से 21 लाख रुपया हमारे बेटियों को एजुकेशन के लिए मदद की है। और केबीसी के हर सीट पर शेफाली दीदी जो वो हीरोइन है और बहुत फिल्म में काम किया उन्होंने, बोली बाबा मैं भी बेटी हूँ और आपका ये दर्दनाक कहानी सुन के वो भी रो पड़ी, बोली बाबा हर सीट पर हम भी आपका साथ देंगे। तो शेफाली बेटी हम सब मिल करके जो है सो और उसमें 25,70,000 रुपया जीते और कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट 2,350,000 रुपया मैंने 52-53 लाख रुपया का सहयोग आया। केबीसी को हमने बताया था कि मकान बन गया लेकिन एक पार्ट मेरा छूट गया जो नहीं बना पाऊँगा, तो उसको देखते हुए कि ये तो बना नहीं पाएंगे, भोजन नहीं दे पाते हैं तो क्या बना पाएंगे, तो भोजन की समस्या से जूझता रहता हूँ रात दिन। अब कल क्या बच्चा खाएगा, रात को नींद नहीं आता, कल क्या होगा, इस स्थिति में मैं विकास क्या करूँ। तो उन्होंने 25 लाख रुपया बाथरूम वगैरह जो घर अधूरा थोड़ा पड़ा हुआ उसको बनाने के लिए केबीसी से भी थोड़ा मेरा मदद हुआ, तो सब मिला जुला के अब समझ लीजिए ये स्थिति की अमिताभ बाबू केबीसी इस लोग जो हमारा जो सहयोग बच्चों का किए हमारे ट्रस्ट का किए, तो हमको ऐसा एहसास होता है ईश्वर के निर्धन संतानों के अंधेरी घर में आप सबों ने दीपक मिल के जलाया है और मैं कोटि कोटि जो है से ईश्वर से बेटियों के तरफ से आप लोगों का मंगल कामना करता हूँ, आप लोगों के लंबी आयु की भी मंगल कामना करता हूँ। जय परमात्मा। मैं हरे राम पांडे।